औरंगाबाद जिले के चर्चित हत्याकांड सुजीत मेहता के हत्या का घायल चंदन ने खोला राज। आपको बता दें कि हत्या का राज खुलने से जिले में सनसनी फैल गई है। बताते चले कि 5 अगस्त दिन शुक्रवार को शाम के समय में सुजीत मेहता अपने दोस्त चंदन के साथ अम्बा से बाजार कर घर लौट रहे थे। उसी दौरान हथियारबंद अपराधियों ने बतरे नदी के पुल पर पीठ पीछे गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें चंदन जख्मी हो गए थे। आइए सुनते हैं उस दिन घटना की पूरी कहानी घायल चंदन से। चंदन जी, सुजीत मेहता हत्याकांड के अब चश्मदीद गवाह हैं आप, इस घटना का हमको पूरा विस्तार से बताइए, कुछ दिन क्या क्या हुआ था। सर, उस दिन हम 12 बजे के करीब घर से निकले थे, हमको बाजार में कुछ काम था, तो हम जा रहे थे मार्केट। तो रास्ते में भैया का घर मिलता है, सुजीत भैया का, जो रास्ते में ही मिले अपने घर के पास। तो वो बोले कि कहाँ जा रहा है, तो हम बोले कि जा रहे हैं मार्केट। तो बोले कि हमको भी चलना है और मैडम को भी जाना है बाजार। तो हम बोले कि आइए, हम कांटा पत्थर, हम कांटा पर रहेंगे अम्बा। तो वो फिर आए, हम वहाँ पे बैठे रह गए करीब 2 घंटे के आसपास, 2-3 घंटा वहाँ बैठे रह गए, बहुत देर के बाद हुआ है। तो फिर आए तो बोले कि चलो बाजार। तो हम बोले कि साथ में हम गए बाजार। तो बाजार गए तो हम पूछे कि भाभी को भी जाना था, तो बोले कि से हाँ, वो आ रही है सोनू के साथ, भैया का साला सोनू, उन्हीं के साथ वो आ रही है, से तू चलो। तो हम और भैया बाजार गए। फिर तो बाजार गए तो उसके बाद मोबाइल भैया को कवर लगवाना था, तो वो एक ठो औरंगाबाद रोड में सुरंजन नाम के लड़का, एक ठो दुकान है मोबाइल दुकान, मछली मार्केट के जस्ट 2 बिल्डिंग आ गए। तो वहाँ पे जाके हम लोग मोबाइल में कवर लगवाए और गार्ड लगवाए, स्किन गार्ड। अच्छा। तो वहाँ लगवाने के बाद फिर हम लोग वहाँ करीब 10-20 मिनट और रुके होंगे, या मतलब टाइम तो अंदर नहीं है पता। फिर वहाँ से हम लोग निकले, तो हम लोग अम्बा नवीन नगर रोड में आ सीधे, यहाँ पे आरबी कॉम्प्लेक्स है, गुप्ता आरबी कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। साई मोबाइल नाम करके मोबाइल दुकान है नवीन नगर रोड में। तो भैया को मोबाइल लेना था, नया फाइनेंस कराना था। तो वहाँ पे वो मोबाइल सैमसंग कंपनी का मोबाइल को लेना था, तो मोबाइल वो फाइनेंस करा रहे थे, तो लोन प्रक्रिया में थोड़ा सा लेट हो गया वहाँ पे। तो वहाँ भी लग रहा करीब आधा घंटा भर रुक गए थे, तो मोबाइल में भी और लेट, उसमें लेट था। तो अपना सिम जो था भैया का मोबाइल, नया अपना जो सिम रखते थे, उस सिम नया वाला मोबाइल में डाल के वेरीफाई कर रहा था वो जो फाइनेंस करता है। तो हम फिर भैया बोले कि से लेट होगा, किसी दुकान वाला बोला कि लेट होगा। तो हम बोले कि इतना लेट होगा तो हमें बैठे थोड़े रहेंगे, से और काम है, चलिए। भैया बोले कि तो चलो, से बाद में मोबाइल आके ले जाना। तो फिर बोले कि हम बोले कि भाभी, तो बोले कि वो भी मार्केट कर ली है, से चलो वो भी तैयार है। तो हम लोग निकल गए वहाँ से। तो निकले तो फिर नाला पर जब आए तो हम लोग आगे बढ़ गए, भाभी पीछे रह गए, भाभी और सोनू जो थे। अच्छा। जो मार्केट कर आई थी पीछे रह गई, और हम लोग आगे निकल गए। आगे निकल गए, जब हम लोग नदी पर गए, बतर नदी के पुल पर जब पहुँचने वाले थे, तो हम लोग को कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, जब हम लोग आराम से जा रहे थे घर। तो वहाँ पे गए तो एक बैग अंधाधुन फायरिंग चलने लगी, गोली की आवाज़ सुनाई। तो गोली की आवाज़ सुनाई तो भैया के देखे कि तरमलाए लगे पीछे, तो भैया झुक गए पीछे। तो झुके तो हम देखे कि पीठ में जब हाथ लगा हम लोग बुलट, तो फिर हम भैया जब तरमला के गिरे ना, वहीं पर जब गोली की आवाज़ चली और बस तुरंत बस सेकेंड होने लगा, भैया तुरंत पीछे की ओर लुढ़ा के गिर गए रोड पे। और लुढ़के से मेरा गाड़ी मिलना सुना, हम दहिना साइड में जाके मतलब रोड से बीच में जा रहे थे, उसमें गाड़ी नहीं थी वहाँ पे। तो भैया जब गिरे तो हम नदी में जाकर डायरेक्ट गिर गए। अच्छा। तलमला के नदी में गिर गए। तो नदी में गिरे तो हम नदी में गिरे तो मतलब हाथ मेरा चोट लग गया था, तो फिर हम उठ गए तुरंत, ज़्यादा नहीं था। तो ऊपर में हमको चोट लग गया था, पैर में भी गोली लगा था हमको। तो जब उठे वहाँ से तो देखे किसे आकाश सिंह और चुन्नू सिंह, दो आदमी को हम पहचाने, जो कि भैया को गोली मार के और वहाँ पे करीब मतलब वहाँ पे दिखा। उसके बाद फिर वो लोग भी 2 बाइक से था, तो हम लोग ज्यादा को तो नहीं, लेकिन 2 को चिन्हे, आकाश सिंह और चुन्नू सिंह को। और गोली मार के फिर हम लोग चिल्लाए भी कि पीछे से भाभी आ गई। तो हम बोले कि से आकाश सिंह और चुन्नू सिंह भैया को गोली मार दिया, और बोल रहा था कि बाप का बदला ले लिया। अपराधी गोली मार के किधर भागा? गोली मार के वो सीधे उधर नवीनगर तरफ भाग गया।
मतलब अम्बा से हम लोग अम्बा से उधर नदी पार के चिल्की मोड़ तरफ भाग गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर हम हाथ में चोट लगा था, फिर उधर से निकले रोड पर आए तो फिर बहुत सारे लोग आए, फिर हमको टांग के हमको भैया को फिर ले गए हॉस्पिटल में औरंगाबाद पुष्पेंद्र की, यहाँ तो क्लिनिक है वहीं ऊपर उसके बगल में, तो वहाँ पे वो इलाज लग रहा कि नहीं किए, भैया को बोल दिए कि भैया मृत घोषित कर दिए, और हमको भी इलाज करने के लिए नहीं कह रहे थे कि नहीं इलाज करेंगे से यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो फिर हमारे घर वाले हमको पटना लेकर चल गए एक निजी हॉस्पिटल में, वहीं पे हम इलाज कराए, और इलाज कराने के बाद फिर हम वहीं 3-4 दिन इलाज कराए, और 3 या 4 दिन बाद फिर हमको छुट्टी मिला तो हम घर आए। चंदन जी, इतना बड़ा हादसा हो गया तो आपने प्रशासन का अभी तक बयान क्यों नहीं दिया? सर देखिए, पर बयान की जहाँ तक बात है तो हम हॉस्पिटल में थे, इलाज करा रहे थे, और इस घटना से हम इतना भयभीत थे, इतने डरे हुए हैं कि मेरे पूरे घर का परिवार जो है इतना डरा हुआ है कि हमको मतलब कहीं बोलने का मौका, बोलने तक का भी इजाज़त नहीं दे रहा है, इतना डरा हुआ है कि हम जब पटना इलाज करा रहे थे तो वहाँ अभी तक हमको कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई पूछने तक नहीं गया कि हम कैसे इलाज करा रहे हैं और कहाँ से इलाज करा रहे हैं। हमारे घर वाले कर्जा महाजन लेकर जहाँ से लेकर अभी तक इलाज करा रहे हैं, और हमको जान का बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जो हत्यारा है, जो गोली मारा है, वो इतना दबंग आदमी है कि वो कभी भी कुछ करवा दे सकता है, इसलिए हम अभी तक बयान नहीं दे पाए थे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट में जाकर बयान देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक अभी हम सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तब तक हम लुक छिप कर ही रहेंगे। और रही बात भाभी तो का तो गार्ड मिल गया, सुमन भाभी जो हैं उनको तो गार्ड मिल गया, हमको तो कोई देखने वाला नहीं है, और अभी तक हमको एक आदमी भी कोई पूछने वाला नहीं मिला कि तुम मतलब कैसे इलाज करा रहे हो, या कोई खोज खबर, कोई आदमी आ रहा है कोई खोज खबर नहीं ले रहा है मेरा। हम बहुत बहुत कष्ट में हैं, आर्थिक कष्ट में हैं, इसलिए हम अभी तक बयान नहीं दे पाए, और कोई बात नहीं है। चंदन जी, अब आप जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम जिला प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि हमको जान का खतरा है, हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और मेरा इलाज का जो मुआवजा है वो मेरा पूरा किया जाए। और माननीय जिला प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त से सख्त सजा दी जाए।